नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मणिपुर मामले को लेकर शुक्रवार को ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष शांति से चर्चा से भाग नहीं लेते और संसद में किसी बिल को पारित करने में सहयोग नहीं करता। मणिपुर पर केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा कि जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सरकार ने मणिपुर के मामले की सुनवाई राज्य से बाहर करने की गुहार भी की है। वो अर्थव्यवस्था 2014 में फाइव फ्रेजाइल के लिस्ट में थे, भारत फाइव फ्रेजाइल इकोनॉमी के लिस्ट में थे। फाइव फ्रेजाइल से आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है सर। वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड टुडे सर। तो यही कारण है कि स्वच्छ मन से विद ए क्लियर विजन एंड क्लियर माइंड हमने जो कुछ भी बदलाव लाना चाह रहे हैं उसमें तो हमारा कोई किसी को फलाने को चाचा मामा को भाई भतीजा को कोई लाभ करने का हमने कभी भी नहीं सोचा। हम देश के हित में सोचा। इनके कालखंड में जो कोयला का अलॉटमेंट होता था इनके एक एमपी को भी सजा घोषित हुआ है और जेल में डालने का कगार में है। इंडिया पार्टीज की बैठक में वो तय हुआ कि एक डेलीगेशन विपक्षी पार्टियों का इंडिया पार्टीज का खासकर वहां डेलीगेशन जाएगा। 20 सांसद उसमें जाएंगे। वायलेंस हिट एरियाज में जो रिलीफ कैंप्स हैं वहां पे जाएंगे, जायजा लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और यहां से विपक्षी पार्टियों या पूरे सांसद के तरफ पूरे पार्लियामेंट के तरफ से एक मैसेज टाइप ले जाएंगे कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और हमें परसों सुबह में 10 बजे गवर्नर से भी मुलाकात होगी। अपॉइंटमेंट गवर्नर वहां के गवर्नर अपॉइंटमेंट दिए हैं उनके उनके साथ भी मुलाकात होके जो कल दिन भर ये जायजा लेंगे, जो इनकी मुलाकातें होंगे, जो वहां के दुख और दर्द को जो सुनेंगे वो गवर्नर तक भी पहुंचाएंगे। वापस आके वो पार्लियामेंट में भी अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। इंडिया ब्लॉक के साथी राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों का एक समूह बनाकर पूरा इंडिया ब्लॉक का एक डेलीगेशन मणिपुर जाएगा और उद्देश्य बस इतना ही है कि मणिपुर में जाकर वहां की वस्तु स्थिति क्या है उसे देखें, समझें, मणिपुर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, उनके आंसू पोंछने का प्रयास करें, उन्हें सांत्वना दें और वापस आकर संसद के भीतर सरकार को इन सारी चीजों से अवगत कराएं कि वास्तव में मणिपुर में हो क्या रहा, मणिपुर क्यों जल रहा है, क्या वहां पे स्थिति है। राहुल गांधी जी की इमैच्योरिटी देखिए, अपरिपक्वता देखिए। इतने वर्षों तक जिस प्रकार का काम उन्होंने किया है जनता वह काम देखेगी या अभी उन्होंने इंडिया जोड़ के जो नाम दिया है उस नाम को देखेगी। बंधुगण, अंग्रेजों ने भी यही किया था। एओ ह्यूम को ला करके इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नाम में इंडियन नेशनल कांग्रेस जोड़ करके अंग्रेजों ने एक पार्टी बनाई थी। उनको लगता था कि भारत के लोगों को लगेगा मानो अंग्रेज हमारे हैं और इंडिया का नाम लगाया है तो इंडिया के लिए काम करेंगे। जिस प्रकार की प्रताड़ना, जिस प्रकार की लूट अंग्रेजों ने की थी वो हम सब ने देखा था। इसलिए नाम के परिवर्तन से काम में परिवर्तन आएगा। हिंदुस्तान की जनता इससे गुमराह नहीं होने वाली। हर लीडरशिप के पास ऐसे काम हैं जो जनता के हित में हैं, जनता को बताए जा सकते हैं, उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। अरे बीजेपी को तो कितना देख लिया, 10 साल और कितना देखोगे आप। 10 साल में भी मणिपुर जैसी घटना हो जाए सोचिए आप। और केवल इसलिए घटना हो रही कि उन्हें स्वार्थ है और लोकसभा में नहीं आ पा रहे। सोचिए आप, याद कीजिए वो दिन। ये गुजरात दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को पीएम मोदी ने गांधीनगर में महात्मा मंदिर सम्मेलन केंद्र में सेमीकंडक्टर उद्योग पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना आवश्यक है वैसे ही कार्यक्रम भी है।
सेमिकॉन इंडिया के माध्यम से उद्योग विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के साथ संबंध अपडेट होते रहते हैं। मेरा यही मानना है कि संबंधों में तालमेल के लिए ये आवश्यक है। सेमिकॉन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था और तब चर्चा इस बात की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग सवाल कर रहे थे व्हाई इन्वेस्ट। अब हम एक साल के बाद मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है। अब कहा जा रहा है व्हाई नॉट इन्वेस्ट। जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी होता है, वैसे ही ये कार्यक्रम भी है। सेमिकॉन इंडिया के माध्यम से इंडस्ट्री के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ संबंध भी अपडेट होते रहते हैं और मैं समझता हूं हमारे संबंधों के सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये बहुत आवश्यक। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जुबान से फिर से जहर उगला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने उत्तराखंड की शांतिवादियों को आग की लपटों में झुलसा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो मानने को तैयार नहीं है, तभी तो उनके बयान आए दिन कोई ना के एक नेता के द्वारा दिया गया यह बयान कांग्रेस और उनके सहयोगियों की देश व धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। ये विचार इन दलों के अंदर सिमी और पीएफआई की विचारधारा के वर्चस्व को भी प्रकट करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व उत्तर प्रदेश के मंत्री द्वारा बद्रीनाथ धाम पे जिस प्रकार से आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, बार बार कभी सनातन धर्म पे, कभी रामचरितमानस है,
अब बद्रीनाथ धाम पे टिप्पणी की गई है। यह अत्यंत निंदनीय है। यह ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्या जी चुनाव हारने के बाद अपनी मानसिक स्थिति खो चुके हैं। इसलिए अब समाज का ये मानना है कि या तो इनका स्थान पागलखाना होना चाहिए, रांची या तो आगरा में है, माननीय मुख्यमंत्री जी इनको आगरा भेजे, अथवा अगर ये सही सलामत है तो अगर जानबूझ के कर रहे हैं, वहां में निष्ठता पैदा करना इनका उद्देश्य है, तो इनके खिलाफ FIR दर्ज कर इनको सलाखों के अंदर डाला जाए। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब स्वामी इस तरह के बयानों से सियासी बारूद फेंक रहे हों। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सियासी तूफान ला चुके हैं। तो सवाल ये कि क्या स्वामी को सपा ने खुली छूट दे रखी है, वो जब चाहे हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। देखिए, बैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं, उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है, उससे वो स्वयं परिचित हैं। मैं समझता हूँ कि डिम्पल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहिए। मैं ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ धाम सनातन संस्कृति का बहुत पुरातन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और ये उस समय का मंदिर है जब बौद्ध धर्म नहीं था, महात्मा बुद्ध पैदा नहीं हुए थे, तो सत्युगकालीन ये मंदिर माना जाता है, तो ये बौद्ध मठ हो ही नहीं सकता है क्योंकि उससे पहले का ये था। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर आक्रमण होते रहे और आक्रमण के कारण कई हमारे उत्तराखंड के मंदिरों में बौद्ध की मूर्ति रखी गई, पर हमारे ये धाम जो हैं सनातन धाम हैं, उस समय बौद्ध धर्म नहीं था, तब से ये धाम हमारे अवस्थित हैं और लोगों के प्रति इनकी श्रद्धा और अर्चना हो रही है। देखिए, ये सपा नेता की मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। आप जानते हैं कि आदिकाल से बद्रीनाथ जी बद्रिकाश्रम का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है और उसकी मान्यता रही है, और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो स्पष्ट रूप से यह भी प्रदर्शित करता है कि इनकी जो नीति है वो हिंदू विरोधी रही है। और आप जानते ही हैं कि इनका जो चरित्र है वो हमेशा से हिंदुओं के जो मान बिंदु हैं, हिंदुओं की जो परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, संस्कृति है, उन पर कुठाराघात करने की, उन पर चोट पहुंचाने की, और उनको किसी प्रकार से उनको दुष्प्रचार करने की, तो ये इनका जो चरित्र है इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है। स्वामी प्रसाद के बद्रीनाथ धाम पर दिए बयान पर देवभूमि में हुआ है सियासी बवाल। हमारे सहयोगी अभय कैतुरा की ये रिपोर्ट देखिए। भगवान बद्रीविशाल के भू बैकुंठ धाम को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो ट्वीट किया गया, जो बयान दिया गया, उसकी हर तरफ निंदा हो रही है। उत्तराखंड में सियासी दलों के नेता हों या तीर्थ पुरोहित हो, सभी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का विरोध यहां पर कर रहे हैं। उत्तराखंड के माने, उत्तराखंड में जो सियासी दल के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति में अपनी काष्ठा को लेकर, अपने चर्चाओं में बने रहने को लेकर इस तरह का बयान दे रहे हैं जो गलत है, क्योंकि सनातन धर्म की तरफ जो आस्था रखते हैं, जो हिंदू मानते हैं, जो लोग हैं, उनके लिए आस्था का बड़ा प्रतीक है, और पूरे देश में कह सकते हैं कि चारों धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम को माना जाता है। ऐसे में आदिकाल से इस धाम की जो मान्यता है वो यहाँ पर चली आ रही है, उसके प्रति लोगों के जो आस्था का प्रतीक है वो बड़ा प्रतीक है, आस्था का इसे प्रतीक माना जा सकता है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया बयान, दिया गया ट्वीट सीधे तौर पर उत्तराखंड की सियासत और उत्तराखंड में हिंदू राजनीति या दूसरे जो संगठन जुड़े लोग हैं वो इसकी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन हसनुल्लाह साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम पर दिए गए बयान के बाद धर्मनगरी हरिद्वार के संतों में उबाल है। संतों ने मौर्य के इस बयान को विकृत मानसिकता वाला बताया है। जून अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी गर्भगिरी ने कहा कि मौर्य की असंतुलित मानसिकता है कि वो अपने घर को स्वच्छ रखने के बजाय परमपिता परमेश्वर के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को खुला ना छोड़ने की सलाह देते हुए कहा कि ऐसे लोग
समाज के लिए घातक हो सकते हैं। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इसे सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका बताते हुए कहा, बुद्ध भी भगवान विष्णु के 10वें अवतार थे और भगवा मैं हो रहे देश से ये लोग डर कर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। व्यर्थ की बयानबाजी से वो अपनी राजनीतिक चमकाना चाहते हैं और कुछ नहीं। पहले भी उनके लिए मैंने कुछ वाक्य दिए थे, वो शायद वो उन पर यथार्थ बैठ रहे हैं कि वो पागल हो गए हैं, मानसिकता उनकी थोड़ी सी भी। और मैंने तब भी यही कहा था कि ऐसे व्यक्तियों को सड़क पे खुला ना छोड़ा जाए पागल, अन्यथा वो यूं ही समाज में भ्रांति भ्रांति प्रकार की विकृति फैलाते रहेंगे, अपनी मानसिकता से समाज को खराब। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप रुख करते हैं अगली खबरों का। बलिया में क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, ताजा मामला बता रहे हैं हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी। बरेली गुरुवार की रात को, देर रात को एक युवक की हत्या कर दी गई है, गोली मार के हत्या कर दी गई है। ये बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम को एक जो युवक था जो बारादरी थाना क्षेत्र का रहने वाला था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। जैसे ही राहगीरों को शव पड़ा हुआ मिलता है वो थाना क्षेत्र को जब फोन करते हैं तो क्षेत्र की पुलिस CO इंस्पेक्टर सहित तमाम पुलिस फोर्स वहाँ मौके पर पहुँचती है और शव को लेकर उसका पंचनामा के लिए भेजती है। यही बात की जाए तो रात में जब शव मिलता है तो हड़कंप मच जाता है, पूरे थाना क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। फिर उसके बाद में लोगों की तरह तरह की चर्चाएँ होती हैं और जब शव को ले जाता है वही SP सिटी जो है राहुल भाटी जो SP सिटी है उनका कहना है कि एक बॉडी मिली है जिसका उनको पता चला है, जिसके बाद में बॉडी को पंचनामा के लिए भेज दिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में पुलिस जो फोर्स है उसके द्वारा पूरी तरह से CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और फुटेज में ये देखा जाएगा, आने वाले समय में देखा जाएगा कि जो हमलावर है जिनने गोली मार के शव को मारा है, लोग को मारा है, जो इसका नाम शिवम गुप्ता बताया जा रहा है, जो उसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, ये बताया जा रहा है कि फुटेज देखे जाएंगे और जो भी उसमें होगा उसके हिसाब से ही उसका खुलासा किया जाएगा। यही बता दें तमाम बातें जो चल रही हैं संदिग्ध परिस्थितियों में शिवम गुप्ता की मौत हुई है, वही ये बात भी कही जा रही है कि जो व्यक्ति है ये सट्टे का भी काम करता था और काफ़ी लंबे समय से सट्टे के व्यापार में ये लगा हुआ था और काफ़ी सट्टा नंबर लेता था, ये भी बताया जा रहा है। कुछ संदिग्ध जो सूत्र बता रहे हैं उससे पता चला है कि वो सट्टे का भी काम करता है, लेकिन जैसे ही ये मामला पूरा क्षेत्र पता चला तो हड़कंप मच गया। इसको लेकर पुलिस अधिकारी जो है वो कह रहे हैं कि जल्द ही इस हत्या का खुलासा किया जाएगा। कैमरामैन नव किशोर के साथ मैं सनी गोस्वामी, इंडिया वॉइस, बरेली। बस्ती में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई, हमारे सहयोगी बबुंदर यादव की ये रिपोर्ट देखिए। बस्ती जनपद में 3 युवकों की हुई मौत। आपको बता दें कि बीती रात 12 बजे रात को जहां बाइक सवार 3 युवकों को किसी बड़ी गाड़ी ने साइड मारी जिससे बाइक सवार जाके पेड़ से टकराए और जहां ये तीनों जो है बगल सड़क के बगल के गड्ढे में जा गिरे जहां पानी थी, जहां पर तीनों की मौत हो गई। और आपको बता दें ये तीनों युवक बस्ती जनपद के टीनिज क्षेत्र में कहीं रिश्तेदारी में आए थे, जो कि रात को 12 बजे करीब ये बस्ती से अपने घर गोंडा के लिए जा रहे थे और उस रास्ते में उस दौरान जो है किसी गाड़ी ने साइड मारी जो कि इनकी साइड लगने से ये जो है गड्ढे में गिरे जहां पानी में डूब करके इनकी मौत हो गई। सुबह पुलिस जो सूचना मिली और पुलिस जो है तीनों शव को पंचनामा कर पोस्ट PM के लिए भेजा और उनके परिजनों को इसकी सूचना दी, जहां पर बताया जा रहा है कि जिसमें से 2 युवक गोंडा जिले के हैं और एक उन्नाव का है, जो कि ये तीनों अपनी रिश्तेदारी में बस्ती जनपद में आए थे। एक ही बाइक पर आए थे, जो कि एक ही बाइक से फिर जो है पल्सर गाड़ी से जा रहे थे, जो कि बीती रात 12 बजे की ये घटना है जहां पर बड़ी वाहन ने जो है साइड मारा जिससे ये सड़क के किनारे जा गिरे, जहां पर इनको बुरी तरीके से गंभीर अवस्था में रहे जहां पर इनकी मौत हो गई। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बबुंदर यादव। यूपी पुलिस की तरफ से ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है, ताजा मामला बता रहे हैं हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। यूपी DGP के निर्देश पर प्रदेश भर में ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जघन्य अपराधों को इसमें चिन्हित किया जाता है और ऐसे अपराधों की प्रभावी पैरवी पुलिस द्वारा कोर्ट में की जाती है। ताजा मामला जनपद हापुड़ का है, जिसमें ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बाबूगढ़ पुलिस ने प्रभावी पैरवी की है और हापुड़ की अपर जिला सत्र न्यायालय कोर्ट फर्स्ट ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास व 71,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गाँव विकास में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसमें 6
नामजद लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसी मामले की पैरवी करते हुए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बाबूगढ़ पुलिस ने प्रभावी पैरवी की थी, जिसके चलते कोर्ट ने इसमें 6 आरोपियों को आजीवन कारावास और 71,000 रुपये दंड की सजा सुनाई है। तो लगातार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हापुड़ पुलिस कार्रवाई कर रही है और कई मामलों में अब तक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कोर्ट के द्वारा आरोपियों को सजा सुना दी गई है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हमारे सहयोगी निकलेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक ही परिवार के 4 लोगों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई है। जी हां, आपको बता दें, पूरा मामला उन्नाव के थाना पुरुआ कोतवाली क्षेत्र के तुसरौर गांव का है, जहां पर महिला अपने पति का शव लेकर कानपुर से अपने घर मौरावा को जा रही थी। तभी थाना पुरुआ क्षेत्र के तुसरौर गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एम्बुलेंस में भीषण टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उस एम्बुलेंस में सवार महिला व उसकी 3 बेटियां मौके पर ही उनकी दर्दनाक दुखद मौत हो गई। सूचना पर फौरन पुलिस पहुंची और उन्नाव SP सिद्धार्थ शंकर मीना घटना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें कि महिला अपने पति का शव लेकर एम्बुलेंस से अपने घर को जा रही थी कि तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एम्बुलेंस में टक्कर मार दी, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।